देखो जी, आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग का नेक्स्ट। अब रैंकिंग पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो वही आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ देखो, तो रैंकिंग में कल हमने पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, पोजीशन बेस्ड और अरेंजमेंट। छोड़ दिस को, पोजीशन बेस्ड सेकंड वन इज अरेंजमेंट बेस्ड। अरेंजमेंट बेस्ड देखो, पोजीशन बेस्ड हमने कल क्वेश्चन किए थे ना भाई, ये इसके थर्ड बैठा है या ये इसके थर्ड फोर्थ है, राइट? पोजीशन की होती है। आज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का रखा भी ऐसे, पांच बॉक्स रख दिए, छह बॉक्स रख दिए, लाइक दिस। ये हमने कर लिया था, ये वाला हम आज डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट वाला। क्वेश्चन बेस्ड क्या? पोजीशन में हमें पोजीशन गिवन होती थी, लेफ्ट से या राइट से गिवन है, ठीक है? अरेंजमेंट वाले में अरेंजमेंट गिवन होगा, जैसे किसी का कोई पांच या छह स्टूडेंट है, वो हाइट के अकॉर्डिंग बैठे हो, ठीक है? या वेट के अकॉर्डिंग बता रखो, वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर रखो, हाइट के अकॉर्डिंग छोटे से बड़ा या वेट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है? तो उसके लिए उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे बड़ा, बड़ी वैल्यू को हम ऊपर लिख लेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे। जैसे मान लो हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर रखा है, चार लोग, उनमें सबसे हाइट बड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे, सबसे हाइट छोटी उसको नीचे, बीच वालों को बीच में, ऐसे लिखते चलेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना, ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो, पहले क्वेश्चन नोट करो। हाँ, अब आगे क्वेश्चन करेंगे जो अरेंजमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? देखो बच्चे, क्वेश्चन लिखो। देयर आर फाइव फ्रेंड्स, देयर आर फाइव फ्रेंड्स, ठीक है? फाइव फ्रेंड्स, सचिन, कमल, मोहन, हाँ सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम, ठीक है? पांच दोस्त है ये, ठीक है? सचिन, कमल, ठीक है, ये सारे देखो, देर आर फाइव फ्रेंड्स, सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम, पांच दोस्त है बच्चे, ठीक है? सचिन इज शॉर्टर देन कमल, सचिन इज शॉर्टर देन कमल, सचिन क्या है बच्चे, कमल से छोटा है, बट टॉलर देन राम, बट टॉलर देन राम, और राम से बड़ा है, ठीक है? टॉलर देन राम, मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन में सबसे बड़ा है, अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन कमल, अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन कमल, ठीक है? अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन कमल एंड ए लिटिल टॉलर देन सचिन एंड ए लिटिल taller than Sachin. Who is second tallest? अब इसने पूछा क्या है? Who is second tallest? अब देखो, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ कैसे, मेरी बात सुनो आराम से, नोट कर लो पहले, फिर मैं इसको समझाता हूँ क्या है। पहले नोट करो, लिखो सारा। देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत बड़ा पर बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, पांच, इसने बोला कि फाइव फ्रेंड्स है, ठीक है? पांच दोस्त लोग हैं, नाम उनके सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम, पांच ही दोस्त फ्रेंड है। सचिन इज शॉर्टर देन कमल, सचिन क्या है, शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन राम। ये किसके बारे में बोल रहा है, सचिन के बारे में। सचिन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या सचिन है वो कमल से तो छोटा है हाइट में, टॉलर और शॉर्टर की बात आ गई तो हाइट की बात चल रही है, बट टॉलर देन राम। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, जिसके हाइट ज्यादा उसको ऊपर लिख लो, हाइट कम हो उसको नीचे, तो हमें कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। देखो सचिन इज शॉर्टर देन कमल, मैं कमल को यहाँ लिख लेता हूँ बच्चे, ठीक है? अब कमल से कौन छोटा है, सचिन, सचिन इज शॉर्टर देन कमल, तो सचिन छोटा है इसमें हाइट में, तो कमल सचिन को हमने नीचे लिख लिया, ठीक बात है? बोलो सचिन, हाँ। अब देखो बट टॉलर देन राम, जो सचिन है वो क्या है, कमल से छोटा है पर राम से तो बड़ा है हाइट में, तो राम से बड़ा है इसका मतलब राम तो इससे छोटा हुआ, यस और नो? बोलो यहाँ तक समझ आया सभी को? कमल सचिन, कमल से छोटा, सचिन है कमल से छोटा और राम से बड़ा है, तो सचिन बीच में आएगा ना दोनों में, ठीक बात है? अब आगे लाइन क्या बोलता है,
मोहन इज टॉलेस्ट, मोहन सबसे बड़ा है, मेरी बात सुन लो एक बार पहले, मोहन इज टॉलेस्ट, मोहन सबसे बड़ा है, तो मोहन को यहाँ लिख लेता हूँ, मोहन मोहन के ऊपर कोई नहीं आएगा, मोहन तो सबसे बड़ा है, टॉलेस्ट है, ठीक है, हाइट में सबसे लंबा कौन है, मोहन है। अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन सचिन, अरुण ना वो किससे छोटा है, सचिन से थोड़ा छोटा है, बट लिटिल टॉलर देन सचिन, सॉरी अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन कमल, अरुण है वो किससे बड़ा है, अरुण है वो लिटिल शॉर्टर देन कमल, कमल से थोड़ा छोटा है, देखो अरुण है वो किससे छोटा है, कमल से, बट टॉलर देन सचिन, बट सचिन से टॉलर है, तो इसका मतलब ये देखो अरुण कमल और सचिन के बीच में है ना, तो अरुण कमल और सचिन के बीच में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक बात है, है ना, ठीक है, मेरी बात सुनो एक बार, इन दोनों के बीच में आएगा। तो आगे इसने पूछा हु इज सेकंड टॉलेस्ट, अब देखो सबसे पहले टॉलेस्ट है ये, सेकंड टॉलेस्ट है कमल, थर्ड टॉलेस्ट अरुण, फोर्थ टॉलेस्ट सचिन, पांच टॉलेस्ट है राम, तो सेकंड टॉलेस्ट इज कमल, कमल आंसर है बच्चे, नोट करो, देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, नोट करो, देखो एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, ठीक है, एन है वो एम से ज्यादा इंटेलिजेंट है, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, एम इज नॉट इंटेलिजेंट एज वाई, एम एम है एक्स इज मोर इंटेलिजेंट, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, बट एस वाई, ये देखो मैं वो एरोप्लेन फ्लाइंग जेट नहीं होता, जेट एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, बस बस, बट नॉट एज गुड एज, who is the most intelligent, sir pura sab ke liye sir batao isme fair kaun hoga sir m who is the most intelligent of all, the most intelligent of all, theek hai ye question hai, pehle read karo acche se try karte hain fir